हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, फाइनली FIR गॉट रजिस्टर्ड आफ्टर 10 डेज, थैंक्स टू यू गाइस। तो दिस इज नाइस, पर देख लो 10 दिन लगे इतना शोर हल्ला गुल्ला होने के बाद। तो ये तो यूट्यूबर थे, हमारा सपोर्ट मिला, पब्लिक का सपोर्ट मिल गया, एक आम इंसान क्या करेगा। इसमें देखिए, ये पता करना है कि सोशल मीडिया की पावर से कैसे FIR मतलब रजिस्टर हो पाए, ये पता करना है कि कैसे प्रेशर पड़ता है इन चीजों का। क्या कोई ऑफिशियल था जिसको लगा कि प्रॉब्लम आ रही है, क्या कोई न्यूज़पेपर था, कोई ऐसी चीज थी? क्योंकि जब आप इतने सारा एक्टिविटी करते हैं सोशल मीडिया में, तो कोई ऐसी अथॉरिटी होगी जिसको ये कॉज लगा कि इतने लोग जो अपसेट हो रहे हैं, तो कोई कॉज है। और अगर नहीं कहा गया तो अल्टीमेटली लोगों को पोजीशन ऑफ पावर में लगता है कि कल उनकी गद्दी नहीं रहेगी, वोटिंग में दूसरा वोट कर देंगे लोग, बैड फीलिंग आ रही है। कोई ना कोई बंदा, कौन सा बंदा था या बंदे थे जिन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया और कहा नहीं, ये FIR आप करने दीजिए और आगे बढ़िए। तो ये एक्चुअली पता करना है कि सोशल मीडिया की पावर से एक्चुअली किसने रिएक्ट करा और ये सब हुआ। पर मैं ये सोचूं, 10 दिन लगे FIR करने में, अल्टीमेट तो है दिन। जिन लोगों करेक्टली स्पीकिंग जब गए उसी टाइम हो जानी चाहिए, फर्स्ट टाइम ही। मेरे को तो अल्टीमेटली ये देखना है कि जिन लोगों ने इनके घर पे अटैक किया था, जिनमें इतनी हिम्मत थी कि किसी के घर का दरवाजा तोड़ दो, गमले फोड़ दो और इस तरीके से तुम डैमेज करो किसी इंसान का घर, अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर को ले ले, उस पे क्या होता है? बिल्कुल, मैं भी वही बोलने वाली थी, वही से मुझे देखना है उसमें होता क्या है भाई, एंड रिजल्ट लॉ अप्लाई होता है कि नहीं होता। बिल्कुल, यही मुझे सिर्फ देखना है। चाहे वो बंदा एक्स जज हो, कोई भी हो, अगर आपने कुछ किया है, आपके लोगों ने कुछ ऐसा किया है जो वीडियो टेप पे आ गया है, सबूत है, तो क्या लॉ अप्लाई होता है? ये टेस्ट जो है वो मैं देखना चाहता हूं कि आज के जमाने में जागृत इंडिया में क्या होता है। बिल्कुल, मैं भी वही देखना चाहती हूँ, क्योंकि हमने जो दूसरा वीडियो किया था उसमें इनको जाते जाते भी उस बंदे की इतनी हिम्मत थी एक की, कि वो आके उनको जाते हुए भी रोक के बड़ा उस टाइप से बोलता हुआ कर रहा था। मैं तो हैरान हो गई थी वो देखकर कि किस टाइप के ये लोग हैं, और अभी भी अकड़ है, मतलब उनको ये लग रहा है, मुझे लग रहा है कि FIR होने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है, हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता, तभी इतनी हिम्मत हो रही है। तो मुझे वो देखना है कि एंड में क्या होता है, एंड रिजल्ट क्या आता है, क्या उनको पकड़ते हैं, उनको सजा मिलती है, अगर मिलती है तो क्या सजा मिलती है और किस किस को मिलती है। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका हमारा वीडियो में स्वागत है। आज संडे है, दिन नंबर 10, और अभी हम जयपुर में जाएंगे पुलिस स्टेशन पर, राम नगरिया पुलिस स्टेशन, वेयर माय हस्बैंड वाज अरेस्टेड इन। सो वी गोना हैव अ लिटिल टॉक टू देम, सिंस दे हैव स्टेटेड दैट वी हैवंट कांटेक्टेड देम एंड वी वर नॉट एबल टू बी कांटेक्टेड, ऑल्दो दे हैव ऑल आवर कांटेक्ट्स एंड एड्रेस एंड एवरीथिंग। सो दिस इज व्हाई वी गोना क्लेरिफाई दैट। पुलिस ने बोला कि हम उनका बयान लेना चाहते हैं, मतलब पुलिस वालों को ऐसा बोलना है कि वो हमारा बयान लेना चाहते हैं, लेकिन हम उनको मिल नहीं रहे। तो पहली बात तो ये कि पुलिस के पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, मेरे घर का एड्रेस है। दूसरी बात ये कि जब ये मॉब अटैक हुआ था, तो पुलिस मेरे को बयान लेने के लिए गई थी ना, फिर उन्होंने अरेस्ट किया मेरे को। तो बयान लेने का लेके जाके आप अरेस्ट कर लेते तो आपसे फिर दोबारा कौन ऐसे आएगा? फिर नहीं जा रहे हैं, अभी लॉयर के साथ जाएंगे। मेरे ख्याल से इनको पुलिस के अगेंस्ट उन्होंने मिसट्रीट किया था, उनके अगेंस्ट भी केस करना चाहिए। मैं तुम्हारे को बचाऊंगा। चलो दो थे ना, खतरनाक बारिश, खतरनाक।
भाई हम वेट कर रहे थे यार जयपुर में होंगे, मानसून होगा, मजा आएगा राजस्थान में घूमने के लिए, उदयपुर घूमने जाएंगे, जोधपुर घूमने जाएंगे, मानसून हम लिटरली मानसून का वेट कर रहे थे घूमने के लिए कि मानसून आएगा, बारिश होगी और मजे आएंगे उदय, फिर वो उदयपुर अच्छा, में भी कांड हो गया और हमारे साथ में जाने का राजस्थान बताना, हमें लगा बहुत गर्मी वाला टाइम होता है, प्लीज प्लीज क्या ही मजा आते हैं मानसून में, सब कुछ सही हो जाता है क्या ही मजा आते हैं, अभी तो ये सोच रही थी बहुत गर्मी होती है, खतरनाक बारिश हो रही है, जुलाई खतरनाक आपके पास कोई और वर्ड्स है? नहीं, सब कुछ खतरनाक हो रहा है, खतरनाक आज उनका पैर मूव क्यों किए यहाँ पे, क्यों आए जयपुर रहने आए किसी काम से आए, आ रहा है खतरनाक बारिश, खतरनाक बारिश शुरू है, खतरनाक खतरनाक तो यहाँ पे मूव करने के लिए तो जिसमें ओले गिरे थे उसमें तो हम डर ही गए, हमें लगा था हम तो गए आज वाली भाई गाड़ियाँ फ्लैश पर जल्दी से आते ना पानी, अगर प्रॉपर ड्रेनेज ना तो ये होता है, ये कितना टिप है, एक डर लगता है गाड़ी ना रुक जाए खराब हो जाए, 1 मीटर बट हाफ मीटर है ये, बट इतनी दिस साइड इज लिटिल बिट अप बट दिस साइड इज मच मोर डीप, अच्छा सारा उधर भी ऐसी है, मतलब जान ही निकल जाए ऐसी हालत हो रही है, पर मुझे ना डेनवर में यहां आ रही इसमें इतना तो निशान है, जैसे थोड़ा कम गया थोड़ा सा पैर की गाड़ी खराब हो गई, देखा मैं वही तो कहती गाड़ी खराब हो, क्या हुआ पर यस टू टॉक समथिंग विद हिम Really? It's open, no drive. But he has talked something. Yeah. भाई ये क्या है? क्या हुआ? 15 मिनट हो गए हमको खड़े हुए यहाँ पे. I have to talk something. I have to talk something. क्या मतलब? My God. क्या? Bye bye nuts. I'm meeting first time to be nuts. Oh. Okay, चलो ठीक है ध्यान रखना अपना ना. That's it. सब छोले भटूरे हैं. जगह जहाँ पे रह रहे हैं तो सच्ची है. क्यों नहीं आ रहे भाई? धूप नहीं आएगी ना अभी मॉनसून आएगा ना अब नहीं आएगी धूप अब नहीं आएगी. आप तो ऐसे ही रहो सो थोड़ा बहुत लीगल प्रोसेस के लिए हम आए थे, क्या हुआ पीछे अरे पीनट क्या चाहिए, तो एक्चुअली हम आए थे अभी जयपुर, जूली के तो गले से रोटी नहीं उतरती बिना चार्ज के, हाँ बिना चार्ज के रोटी नहीं उतरती इनके गले से, एक्चुअली हम आए थे थोड़ा लीगल प्रोसेस करने के लिए जयपुर में, तो और अभी खाना खा रहे हैं, लीगल प्रोसेस तो हो गया, जल्दी से आपको नेक्स्ट व्लॉग में या फिर इस व्लॉग में आपको अपडेट कर देंगे एंड तक क्या क्या होना है, दसवां दिन डेट है और सेकंड टाइम हम पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं, सेकंड टाइम अपना लीगल प्रोसेस सब कुछ क्लियर आउट करने के लिए, सब आगे की प्रोसेस का स्टार्ट करने के लिए, तो चलो ये अपडेट है अभी और बाकी जो भी अपडेट है वो आपको हम देते रहेंगे, क्या एक्शन है क्या प्लान है हमारा, चलो और भाई एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ट्विटर पे कई लोगों ने लड़कियों की कुछ एडिटेड और मॉक फोटोज डाली है, तो भाई ये मत करना यार, क्योंकि एक तो ये हमारे संस्कार नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, और ये जो भी कर रहा है वो हमारे फॉलोअर्स भी नहीं है, तो मैं तो सीधा कह रहा हूँ ये ऐसा जो भी काम कर रहा है वो उनको भी उस उनके ऊपर पुलिस एक्शन ले उनसे हमको, क्योंकि ये जो आप कर रहे हो ना ये गलत है, बहुत गलत है, ऐसा ऐसा मत करो, हमेशा याद रखना हम सब ह्यूमंस है और ये चीजें मत करो, ये शेयर मत करो, जो भी है डिलीट करो, जिसने भी डाली है डिलीट कर दो बस, ठीक है ये मेरी रिक्वेस्ट है भाई के तौर पर, एक रिक्वेस्ट है जिसने भी डाली है डिलीट कर दो प्लीज। सो जूली इज इन द पुलिस स्टेशन और ये देखिए भाई खतरनाक सूरज मतलब सनसेट दिखाता हूँ आपको, आई विल लुक एट दिस गाइस, क्या ब्यूटीफुल सनसेट है यार, मतलब चुम्मा चुम्मेश्वर मजा आ गया देख के, ऐसा लग रहा है ये पे खड़ा हूँ और उसको देखते रहो बस, है ना। okay, तो एक अच्छा न्यूज है आपके लिए हमारे लिए सबके लिए, आज हमारा FIR ऑफिशियली रजिस्टर्ड है, तो आज से प्रोसेस स्टार्ट किया, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ये सब हो गया, अगर हम अकेले होते ना आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो ये तो कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, आप लोगों का सपोर्ट है ना, जो आपने ट्विटर पर ट्रेंडिंग चलाया है, व्यूज मतलब
जो इतने सारे व्यूज आए हैं, इतने सारे लोगों ने सपोर्ट किया, इतने सारे लोगों ने शेयर किया, इतने सारे लोगों ने हेल्प के लिए नंबर भेजे हैं कि ये करो like, हर चीज के प्रोसेस हमने तो उम्मीद एक बार के लिए तो छोड़ दी थी। एक बार के लिए जब मैं जेल में था ना तो तब तो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। जब मैं बाहर आया पुलिस वालों के ऊपर भी केस करना चाहिए, मैं बता जितना मैंने सपोर्ट देखा ना बाहर आके, मतलब अपन स्टैंड ले सकते हैं इसके अगेंस्ट, अपन स्टैंड कर सकते हैं कि अपने पास सपोर्ट है लोगों का और अपन ने कुछ गलती नहीं की है। सच्चाई की ताकत है अपने पास, हर चीज की ताकत है। अपन ने झूठ नहीं बोला, अपन ने कुछ किया नहीं, अपन ने कुछ गलती नहीं की है, तो सारी की सारी ताकतें अपने अपने साथ है और आप लोगों का प्यार भी अपने साथ है। तो थैंक यू गाइस, चुम्मा सबके लिए, दिल से धन्यवाद सबके लिए, सब सपोर्ट के लिए, सब हम बहुत खुश हो, हम ब्लेस्ड थे आप जैसे ऑडियंस पाके हम बहुत खुश है। और बहुत सारे फेलो क्रिएटर्स, मतलब सबसे पहले तो आकाश भाई का सबसे बड़ा धन्यवाद। उन्होंने मतलब उन्होंने जितनी मदद करी ना, उन्होंने शेयर किया वीडियो, उन्होंने शेयर किया हमारी स्टोरी उन्होंने दिखाई, तो सबसे बड़ा धन्यवाद उनका, आकाश भाई का। सो थैंक यू भाई, थैंक यू। वी होप कि हम आपसे मिल पाए कभी, हम गुड़गांव या फिर दिल्ली आए, एक दिन जरूर मिलेंगे आपसे। तो दिन नंबर 10 सक्सेसफुली हो गया। अभी हम आराम से खाना साढ़े 12 बज चुके रात के, वही खतरनाक नींद में अभी हम लोग, तो अभी हम सोएंगे। और तो आपको मिलते हैं कल के ब्लॉग में, और थैंक यू सो मच गाइस, वी लव यू। और पता क्या, आज से मतलब अब इस ब्लॉग के बाद से रोज डेली ब्लॉग, नॉर्मल अपने डेली ब्लॉग जैसे पहले आते थे वैसे आते रहेंगे। तो आप लोग पहले जितना प्यार दिखाते रहना, और ढेर सारे प्यार, मतलब जितना प्यार दिखा रहे थे उतना प्यार दिखाते रहना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वी लव यू, बाय, कल मिलेंगे, गुड नाइट, गुड नाइट। तो फ्रेंड्स, अच्छा लगा कि FIR हो गई है। अब वही जैसे पहले बोल रहे थे कि एंड रिजल्ट क्या होता है, जस्टिस मिलता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और ऑब्वियसली जहां पे कुछ गलत हुआ है तो मॉरल ड्यूटी होती है कि तब उस टाइम हम भी स्टैंड लें, सारी पब्लिक स्टैंड लें, ताकि जस्टिस मिले। क्योंकि कल को आपके साथ हो सकता है, हमारे साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। और अगर सोसाइटी में कुछ गड़बड़ है तो वी शुड टुगेदर यू नो ट्राई एंड फिक्स इट, कि ये सब गड़बड़ जो है उसका सोल्यूशन हो। तो वो देखना है कि क्या सोल्यूशन हमें मिला, क्या जस्टिस हुआ। और वो अब आई होप कि फास्ट स्पेस में हो, पेस में होए, और जल्दी पता चले कि क्या हुआ है। बट इट्स नाइस कि अब FIR हो गया है, दे हैव मूव्ड ऑन। मुझे अब ये नहीं पता कहाँ चले गए हैं, पर वही right, जयपुर में ही है। मुझे तो ये लगा था कि जयपुर में ही कहीं और दूसरा घर ले लिया है, पर ऐसे लग रहा है कि जयपुर को, जो मेरे लगता नहीं कि जयपुर में ही है, कहीं और ही गए हैं। हो सकता है वापस जहां थे वहीं चले गए हैं, तो आई डोंट नो। पर इट्स नाइस टू नो कि एटलीस्ट FIR तो हो गया है। राइट, ऐसा लग रहा है कि वो जयपुर में नहीं है, शायद कहीं और रहते हैं, जैसे कपल ऑफ आवर्स अवे, और वहां पे तो मुझे पता नहीं है। मगर मत जो भी मॉनिटर कर रहे हैं आप, डेफिनेटली हमें बताइए जब ये कुछ कोर्ट केस की एंडिंग हो, जो पता लगे कि क्या डिसीजन हुआ है और क्या सजा मिली है दूसरी पार्टी को। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि सोशल मीडिया से एटलीस्ट इतना हुआ कि FIR रजिस्टर हो सका, विच इज़ वेरी नाइस। जबकि इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो तो उसी वक्त ही FIR हो जाना चाहिए वहाँ रजिस्टर। अब इतना समय लगा है, और डेफिनेटली अब होप करते हैं कि एवरीथिंग गोज वेल, और सब कुछ लग रहा है कि सॉर्ट ऑफ एटलीस्ट सेफ हैं, अपार्टमेंट में चले गए हैं और सेफली सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई होप इसके बाद। और बस ये है कि जो जिन लोगों ने बुरे कार्य किए थे उनको सजा मिलनी चाहिए, बट लाइफ का फेज है, बट वेरी नाइस टू सी। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।